मार्च का महीने जा रहा है और मार्च के महीने में जयंती होती है साहिल गांधी की, आज हम उन्हीं को याद कर रहे हैं। मेरी साथी साहब ताजमहल का जिक्र हुआ जी, जो इतनी बड़ी रचना है, इसके अलावा उनकी कुछ और रचनाओं से जरा जरा हम चाहेंगे कुछ हमारे दर्शकों को। हाँ, जाहिर है साहिल ने तो इतना खूबसूरत दिखाई, इतना दिखाया, उनकी इतनी शायरी में जो रोमांसिज्म है वो खासतौर से बड़े कमाल का है। अच्छा, उन्होंने बार बार जो है उनको जो तलखियाँ जो उनको मिली उनके नसीब में थी बहुत ज़्यादा, वो रिएक्ट करते थे और जमाने को जैसे कि थपेड़ा मारते थे। मतलब कि जो कुछ होता था उनको बर्जस्ता ऐसा कह नहीं जाता है, जैसे उनका ये है कि तंग आ चुके हैं कश्म कश जिंदगी से, थम चुकना ना दिया जखा कहीं बेदिली से। उसमें दूसरा उसका शेर है कि मायूसी मायले मोहब्बत में पूछिए अपनों से पेश आए हैं बेगानगी से। क्या लो आज हमने तोड़ दिया हर रिश्ता है उम्मीद, लो अब कभी गिला न करेंगे किसी से। अब ये जो अंदाज है प्यासा में, प्यासा जी 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 शुरू में फिल्म में तो बाद में गई है, इन्होंने एक मुशायरे में जो पढ़ी थी धूम मच गई थी, लोगों ने बार बार कहा था एक बार और एक अच्छा और एक मर्जी आती है। मतलब इस तरह का कलाम जो है जो एक दिल से छूकर कोई चीज़ जो जख्म जो लगा होता है वो जख्म बड़ा गहरा होता है, उस जख्म के को छूने का अपना एक मजा भी होता है। एक बात जी सर, रिश्तों पर लिखना रोमांटिसिज्म की आपने बात की, उसके अलावा दूसरी तरफ हम देखते हैं किसानों मजदूरों पर उनके हक में ये कोई भी ऐसा बड़ा इवेंट जो उस वक्त दुनिया में हो रहा था, जैसे हम बात करेंगे परछाइयां जो की जी जी सेकंड वर्ल्ड वॉर का जंग से नुकसान जी जी उनका बहुत बड़ा वो था, परछाइयों से पूरे सदर मुतासिर हुए थे और उसके ऊपर से कई लोगों ने उसको ड्रामे की शक्ल में दी है जी और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट उसको लेकर हुए हैं। एक तबील नज्म है और ख़ास तौर से उनके दिल के बहुत ही करीब थी कि उन्होंने जब अपना एक बहुत सा बंगला बनवाया तो उसका नाम भी परछाइयाँ रखा था और पूरी जिंदगी उस परछाई में ही वो परछाई बनकर रहे हैं और वो बहुत ही उनको अजीज नाम था। मुझे नज्म तो याद नहीं है लेकिन ये कि पूरा जो कर्म था पूरी जो शिद्दत से जिसको महसूस किया जा सकता है कि तो रात की परछाइयाँ होती हैं कभी गुमा की सूरत कभी यकीन की तरह, वो पेड़ जिनके तले हम बना लेते थे खड़े हैं आज भी साकेत किसी हमी की तरह, यही लुत यही फजा यही जमाना था जहाँ से हमने काफी आपने लोगों को ठीक कहा, बहुत लंबी नज़र जी 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 जी। शिव चतुर्वेदी साहब ये बताइए ये जो बात यहाँ से कि उनकी बहुत शायरी ऐसी जो बहुत मकबूल हो चुकी थी फिल्मों में आने से पहले, इनके साहिब साहब के फिल्मों में आने से पहले, वो फिर सिनेमा में किस तरीके से इस्तेमाल हुई है? आप कह रहे थे कि उसके कुछ उदाहरण करा दो। सिनेमा पे तो आता हूँ जी जी, लेकिन कुछ ऐसे शेर हैं जो कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में लोग बोलते हैं, उनका शेर आप देखें सबको याद आ जाएगा, ले दे कि अपने पास फकत एक नजर तो है, ले दे कि अपने पास फकत एक नजर तो है, क्या देखें जिंदगी को किसी की नजर से हम, माना करे जहां को ना गुलजार कर सके, कुछ खार तो कम कर गए गुजरे जिधर से। तो ये देखिए कुछ खार तो कम कर गए, ये तो कॉमन सब लोगों को मालूम है, लेकिन ये नहीं मालूम कि साहिर साहब ने लिखा। अब जो उनकी रेडीमेड जो पोएट्री थी उसको चेंज करके इन्होंने फिल्मों में कैसे दिया है, मैं आपको दो तीन उसके एग्जाम्पल देता हूँ। एक फिल्म आई थी एक महल हो सपनों का, उसमें देखा है जिंदगी को कुछ इतना करीब से, रवि का म्यूजिक था किशोर ने गाया, तो उसमें ये एक इनकी पोएम है पूरी नज्म है, देखा है जिंदगी को कुछ इतना करीब से, चेहरे तमाम लगने लगे हैं अजीब से, इस रैंक की हयात का कब तक उठाएं बात, इस रैंक की हयात का कब तक उठाएं बात, बीमार अब उलझने लगे हैं तबीब से, देखा है जिंदगी को कुछ इतना। दूसरी कभी कभी, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जिंदगी तेरी जुल्फों की नर्म छाओं में गुजरने पाती तो शादाब हो भी सकती थी, ये तीर भी जो मेरे जिस्त का मुकद्दर है तेरी नजर की सुआओं में खोली सो, ये लंबी नज्म है लेकिन लास्ट का जो इनका पैरा है जैसे कि फिल्म में है, न कोई राह न मंजिल न रोशनी का सुराग, ये इनकी जो पोएम है उसमें है, न कोई ज्यादा न मंजिल न रोशनी का सुराग, भटक रही है खलाओं में जिंदगी मेरी, इन्हीं खलाओं में रह जाऊंगा कहीं खोकर, मैं जानता हूँ मेरी हम नफस मगर यूं ही कभी कभी दिल में ख्याल आता है। और एक और, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ है, तो ये बहुत मकबूल हुआ था गाना,
तो इसमें क्या है, ये जो इनकी पोइम है उसमें लिखा है चकले में, सना खाने तकती से मशरे कहाँ है, कि जिनको पूरब पे नाज है वो लोग कहाँ है, उसको बाद में इन्होंने जिन्हें नाज है। दूसरी चीज आप देखिए कि जितना अच्छा वर्ड्स का इन्होंने इस्तेमाल किया है गानों में, वक्त को आप उठाइए, चेहरे पे खुशी छा जाती है, आंखों में सुरूर आ जाता है। इसमें देखिए एक जो इनकी जो दूसरी कड़ी है इसकी, जब तुमसे मोहब्बत की हमने तब जाके कहीं ये राज खुला, मरने का सलीका आते ही जीने का शऊर आ जाता, सलीका और शऊर। आप ये मतलब इतना अच्छा जो है, और औरत ने जन्म दिया मर्दों को, आप इसमें देखिए कॉन्ट्राडिक्टरी जो वर्ड्स हैं उनका कैसे यूज किया है। तुलती है कहीं दीनारों में, बिकती है कहीं बाजारों में, नंगी नचवाई जाती है दरबारों में अय्याशों के, ये वो बेइज्जत चीज है जो बट जाती है इज्जतदारों में। तो बेइज्जत और इज्जतदार, अब देखिए मतलब इतना जो शब्दों से जो खेले हैं उसका शब्दों का जो खजाना था उसके बारे में हम बात किया करें। मुझे लगता है बहुत जगह पे रिसर्च चल रही है, डॉक्टरेट हो रही होंगी, लेकिन ये दरिया है कहाँ से आता है, कहाँ को जाता है, कौन जाने। हम तो उनके बनाए हुए उस साहित्य के और गीतों के दरिया में बार बार डुबकी लगा रहे हैं। एक मोती और लाए हैं चुनकर, कव्वाली है, कव्वालियों का एक बड़ा खजाना साहित्य। Thank you.
कोशिश करेंगे कि थोड़ी थोड़ी झलक के तौर पर ही सही, लेकिन उनकी शायरी के बारे में भी जरा जरा सी कुछ चीजें हम सुनते चले हनीस भाई से। हनीस साहब, कुछ हम चाहेंगे कि अब साहिर साहब की शायरी से कुछ आप चीजें हमारे दर्शकों को सुनाते हुए चले, ताकि ये पता भी चले कुछ लोगों जिनको शायद अभी तक नहीं मालूम है कि कितना बड़ा शायर और उसका कितना बड़ा काम है। नहीं बिल्कुल, बजा फरमाया आपने, जो शायरी जो की थी उसने वाकई लोगों को इतना मुतासिर किया, और वो पूरा एक दौर था उस जमाने में जो पूरे से मूवमेंट के साथ लोग जुड़े हुए थे, वो औरत को बेइज्जत होता हुआ नहीं देख सकते थे, और शायर जो है उनमें से सबसे आगे पेशों की हैसियत उनकी थी जी। मतलब इसमें चुपता लिख रही थी, राजेश सिंह बेदी लिख रहे थे, कृष्ण चंद्र लिख रहे, मंटो, ये सब मतलब उनका कमिटमेंट भी था, प्रोग्रेसिव राइटर्स जी के साथ जी, तमाम हुकूक की जो बात थी, मजदूरों की, किसानों की, सभी को सारे सबके ऊपर जी। तो आप कहती माधव तो ठीक ही कहती होंगी, मेरे अहबाब में तहसीब बसी की होगी, मेरे माहौल में तहसीब में पलती होगी, इस तरह की बातें जो लोग मतलब कहते थे कि मतलब क्या है आप, केक का टुकड़ा ऊपर से गिरा होटल से, पूरे उसमें एक नज्म है जी। औरत को खास तौर से जिस तरह से कि सब लोगों ने कहा कि औरत की इज्जत जो है बहरहाल हर हालत में जरूरी है, कि उन्होंने चपले लिखी थी, वो लफ्ज जो है आदमी के रोंगटे खड़े कर देते हैं कि ये पुरपेट गलियां, ये बेखाब बाजार, ये गुमनाम राही, ये सिक्कों की झनकार, ये इस्मत के सौदे, ये सौदे सला खाने तकदीर से मशहूर कहाँ है, ये नाज है कोई फर्क। और आखिर में कहती है कि मदद चाहती है ये हवा की बेटी, यशोदा की हमजिंस, राधा की बेटी, पैगंबर की उम्मत जुलैखा की बेटी, बुलाओ बुलाओ खुदायान दीन को बुलाओ, ये पूछे ये गलियां, ये मंजर दिखाओ, जिन्हें नाज है इन पर वो कहाँ। ये इसी तरह से रिजेक्ट जो करते थे साहिब बार बार, बहुत बदचस्ता तौर पर बहुत ही शार्प भी करते थे। नेवी का जो हमारा था सेलर्स जो थे उन्होंने स्ट्राइक कर दी थी कि हम हिंदुस्तानियों को इतनी कम तनख्वाह दी जाती है, और जो अंग्रेज हमारे बराबर काम करते हैं उनको दो तीन गुना ज़्यादा दी जाती है, जबकि काम हमको फ्रंट पर रखा जाता है, गोली पहली हम खाते हैं और तनख्वाहें बढ़ाई हैं, और अंग्रेजों ने उनकी काम किस तरह से स्ट्राइक को जो है चल रहा है, और गोली चली 22-23 बच्चे उसमें मारे गए थे। तो उस पर जो इन्होंने जो नज़्म लिखी है, अरे मेरे मुल्क को कौम जरा आंखें को उठा नजरें तो मिला, कुछ हम भी सुने कुछ हमको भी बता दिए, किसका लहू है कौन मरा, क्या कौम वतन की जय घर है, मरते हुए राही होंडे थे, जो देश का परचम लेके उठे वो शोक सिपाही होंडे थे, सड़कों की जबान चिल्लाती है, नदियों के किनारे पूछते हैं, तुम लोग जिन्हें अपना न सके वो खून के धारे पूछते हैं, ये किसका लहू है कौन मरा। ये जो शायरी है इसके लिए बड़ी कुव्वत चाहिए, बड़ी ताकत चाहिए, बड़ी ईमानदारी चाहिए, और इस शायर के पास ये सारी कुव्वतें थी। क्या बात है चतुर्वेदी जी, अब थोड़ी सी बात जरा जैसे कहते हैं गियर शिफ्ट कर लेते हैं, और शायरी का वो एस्पेक्ट भी हम थोड़ा सा समझें कि एक तरफ उनकी जिंदगी में हम सब जानते हैं साहिब ने शादी नहीं की, अकेले रहे, और बचपन कैसा बीता, उसके बावजूद जो रोमांटिक जो रुमानी जो शायरी है उनकी वो कमाल की है, और क्या शब्दों का चयन है। हालांकि दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि दर्शन इसमें है, रूहानी शायरी भी है, रूहानी बातें भी हैं, इनकलाबी तो है ही, तो जरा उसकी जरा हाथ करते चले। देखिए एक तरफ तो साहिर साहब अपना पहलू दिखाते हैं कि चंद कलियां निशात की चुनकर, चंद कलियां निशात की चुनकर, मुद्दत और महवे यास रहता हूँ, तेरा मिलना खुशी की बात सही, तुझसे मिलकर उदास रहता हूँ, उन्हें मिलन में भी उदासी नजर आती है। दूसरी तरफ जो उन्होंने खुद लिखा है उसी को करते हैं, न मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो, गमों का दौर भी आए, गमों का दौर भी आए तो मुस्कुरा के जियो, तो उसी को रिटोर्ट करके क्या कहते हैं वो, न मुंह छुपा के जिए हम न सर झुका के जिए, सितमगरों की नजर से नजर मिला के जिए, अब एक रात कम जिए और हैरत की, यही बहुत है कि हम मशाले जला लीजिए। तो ये तो उनका एक पहलू है, लेकिन जब वो रोमांटिक मूड में आते हैं फिर देखिए, इतनी हसीन इतनी जवान रात क्या करें, इतनी हसीन इतनी जवान रात क्या करें, पेड़ों के बाजुओं में मचलती है चांदनी, पेड़ों के बाजुओं में मचलती है चांदनी, बेहोश हो रहे हैं ख्यालात क्या करें, आज और कल में, दूसरी तरफ आंखें का मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी, खुलते नहीं है रोज दरीचे बहार के, होते हैं जाने मनिए इनायत कभी कभी, आप गुमराह को देख लीजिए गुमराह में, आप आए तो ख्याले दिले नाशाद आया, कितने भूले हुए सपनों का पता याद आया, आप नीलकमल देख लीजिए, जो विदाई वाली बात है बाबुल की दुआएं लेती जा, वो तो कुछ है प्रोमिनेंट था ही, उस पे अवार्ड भी मिले, रवि साहब को भी मिला नेशनल अवार्ड, उसी में देखिए तुझको पुकारे मेरे प्यार।
आजा मैं तो बेटा हूँ तेरी। और दूसरी चीज फिर आप देखिए दीदी में, तुम मुझे भूल भी जाओ तो ये हक है तुमको, मेरी बात और है, बात और है। मैंने तो मोहब्बत की है, मैंने तो मोहब्बत की है। कभी कभी देखिए, मतलब कभी कभी आप देखिए कि मतलब जो उन्होंने पूरी नज्म लिख दी है उसमें भी वो कहते हैं मैं जानता हूँ कि तू गैर है मगर यू, मैं जानता हूँ कि तू गैर है, खुशियां सब अधूरी है मगर जिंदगी गुजारने को गलत फहमियां भी जरूरी है। तो ये भी एक बहुत बड़ी चीज है। क्या बात है, ये बात है तो लगता है यूं ही चलती रही, लेकिन ये गीत है उसको सुनना बहुत जरूरी, फूल का फूल। और ये गाना जरा कम सुना जाता है लेकिन ये बहुत खूबसूरत गीत है। साहिर साहब का मुकाम है उसका कोई जवाब नहीं है।
और एक बार तो आप मुझे जीने दो कि इन्होंने जयदेव के साथ तीन मूवीज में काम किया है जी। और तीनों हिट रही हैं हम दोनों जी। मुझे जीने दो और जोरू का भाई जी। और इनके अलावा काम नहीं किया क्योंकि इन्होंने शर्त लगा दी थी कि जो भी है वो मेरे पास ही आएंगे तब मैं लिखूंगा। तो अपनी शर्तों पे बहुत बहुत धन्यवाद शिव चतुर्वेदी जी आपका और अनिल साधवी साहब आपका। आप दोनों यहाँ आए और साहित्य ध्यानवी के बारे में आपने हमसे बातचीत की और साहित्य के बारे में क्या कहें, सिर्फ यही कहें सूरज को दीपक दिखाने वाली बात होगी, लेकिन उनका जो मकाम है और जो काम है, आज जो हम रेडियो पर गीतकार का नाम सुनते हैं ये साहित्य की कोशिशों के बावजूद ही मुमकिन हो पाया था। उन्होंने बहुत ऐसे काम किए और लिखा तो उन्होंने जो कमाल, उनको याद करें उन्हीं की पंक्तियों के माध्यम से। उन्होंने खुद कहा ये कलौराएंगे नगमों की खिलती कलियां चुनने वाले, मुझसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले, कल कोई मुझको याद करे, क्यों कोई मुझको याद करे, मसरूफ जमाना मेरे लिए क्यों वक्त अपना बर्बाद करे, मैं पल दो पल का शायर हूँ। इस महान शायर को बार बार प्रणाम नमन नमस्कार।